अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक सीरम। ये एक एंटी एजिंग सीरम है जो कि मैं खुद यूज़ कर रही थी और मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। तो मैं इसका रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और इस अभी जो ब्रांड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसके और भी बहुत से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, लेकिन अभी जो फ़िलहाल मैं इसका सीरम शेयर कर रही हूँ वो स्किन केयर सीरम है, एंटी एजिंग है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। ओके, अभी जो मैं आप लोगों के साथ ब्रांड शेयर कर रही हूँ, इस ब्रांड के हेयर मास्क और कंडीशनर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो है वकोली ब्रांड। लेकिन अभी मैं इसका स्किन केयर सीरम विटामिन ई, अल्ट्रा प्योर विटामिन ई सीरम वकोली का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए। ये विटामिन ई सीरम है, ये इसकी बाहर की पैकिंग है, ठीक है। बोतल मेरे हाथ में है क्योंकि इसकी पैकिंग मेरी बेटी ने फाड़ दी थी, तो बोतल मेरे हाथ में है। ये इसकी बाहर की पैकिंग है, यहाँ पे मेंशन भी है विटामिन ई सीरम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्पेशली इस पे मेंशन है ये विटामिन ई सीरम है। ओके, सबसे पहले इसकी पैकिंग की बात करते हैं। तो ये इसकी बाहर की कार्डबोर्ड की पैकिंग है। ओपन करने पे ये हमें इस तरह की ग्लास बॉटल पैकिंग में रिसीव होता है और ये हमें 40 ml मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बेनिफिट की बात करूँ तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन लोगों ने मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पर भी। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों के साथ इसके मेन बेनिफिट है जो हर लड़की को मसला होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो चीज़ें ये क्लेम करता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स की। जो मेन इंग्रेडिएंट्स इस पर मेंशन है वो है विटामिन सी, ऑर्गेनिक एलोवेरा, हेलोरेनिक एसिड और विटामिन ई। ये 4 इंग्रेडिएंट्स इन लोगों ने इसकी कार्डबोर्ड पैकिंग पे मेंशन किए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये हमारी स्किन पे क्या क्या काम करता है, ये इसने क्या क्या क्लेम किए हुए हैं। ये क्लेम करता है कि ये आपके पोर्स को टाइट करता है, विटामिन ई आपके पोर्स को टाइट करता है, आपकी स्किन पे से जो डलनेस है उसको रिमूव करता है। अगर आपकी स्किन पे किसी किस्म का इशू है, रेडनेस है या फाइन लाइंस है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, रिंकल्स है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, उनको स्मूथ करता है, उनको रिड्यूस करता है। वैसे भी विटामिन ई के बारे में सब जानते हैं कि विटामिन ई हमारी स्किन के लिए कितना बेस्ट होता है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ये अक्सर क्रीम्स में, जब हम मार्केट से बहुत सी क्रीम्स या लोशन या जेल वगैरह बाय करते हैं, तो उन चीज़ों पर भी इंग्रेडिएंट्स में ये मेंशन होता है विटामिन ई। तो विटामिन ई इसीलिए मेंशन होता है कि विटामिन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये हमारे पोर्स को स्मूथ करता है, ये हमारे रिंकल्स को रिड्यूस करता है। प्रोसेस स्लो होता है लेकिन हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन गारंटी बात ये होनी चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं वो ओरिजिनल हो, तभी वो आपकी स्किन पे काम करेगी और 100% ऑर्गेनिक हो या फिर किसी अच्छे ब्रांड की हो। ये ना हो कि आप किसी लो ब्रांड या लोकल ब्रांड की लोकल ब्रांड का बहुत ज़्यादा जो केमिकल वाले ब्रांड होते हैं छोटे, वो ख़रीदें और वो आपकी स्किन को फ़ायदा देने की बजाय आपकी स्किन को उल्टा नुकसान दे, ठीक है। लेकिन विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, ये हमारी स्किन पे अगर डलनेस है बहुत ज़्यादा, तो हमारी स्किन पे से डलनेस को रिमूव करता है। हमारी स्किन पे अगर किसी किस्म का इशू है, मसलन अगर हमारी स्किन सन रेस की वजह से जल चुकी है, आप बहुत ज़्यादा धूप में निकलते हैं तो आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है, आपकी स्किन पे सन टैन बन चुके हैं, तो ये उनको रिमूव करता है, ठीक है। आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है, डीपली जाके ये सीरम आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है, रिपेयर करता है।
आपकी जो स्किन की लेयर्स हैं उनको पहले अंदर से रिपेयर करता है, फिर कहीं जाके आपकी स्किन बाहर से फ्रेश नज़र आती है, आपकी स्किन पे से डलनेस ख़त्म होती है, रिंकल्स ख़त्म होते हैं आपकी स्किन पे से। अगर आपने फार्मूला क्रीम्स यूज़ कर करके आपकी अपनी स्किन को डैमेज किया हुआ है तो उस स्किन को भी ये रिपेयर करता है। ये वकोली का जो विटामिन ई सीरम है, ये स्पेशली मैंने दो माह पहले ख़रीदा था और ये मैं यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए। अच्छा, ये इसकी पैकिंग है। इसके टेक्सचर की बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहले आप लोगों को इसका कलर नज़र आ रहा है, इसका पेल कलर है, ठीक है। ओपन करने पे जब मैं इसका टेक्सचर देखती हूँ तो इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा ठीक है। और ये थोड़ा सा ऑयली है। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इसको आपने सिर्फ अगर आप दिन के टाइम लगा रहे हैं तो सिर्फ आपके लिए दो ड्रॉप्स लगाकर और उसको पूरे फेस में मसाज कर ले तो ये अच्छे से आपके स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा। लेकिन आप इसको अगर एक्स्ट्रा अपने फेस पे लगाएंगे तो ये आपकी स्किन को ऑयली भी कर सकता है, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें हल्की सी जो है ना हल्का सा ये ऑयली है। लेकिन आप अगर थोड़ी सी अमाउंट में लगाएंगे तो ये एकदम से आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा। मैं इसको मेकअप से पहले भी अप्लाई करती हूँ और मैं इसको रात को अपनी जो भी क्रीम मैं यूज़ करती हूँ अपनी उस क्रीम से पहले मैं ये अप्लाई करती हूँ। इसी तरह अगर आप कोई क्रीम अप्लाई करते हैं तो अपनी उस क्रीम से पहले इसको अप्लाई कर ले, अच्छा सा इसको मॉइस्चराइज कर ले, मसाज कर ले इसको अपनी स्किन पर। और इसकी खुशबू बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता लगाते हुए भी कि आप कोई चीज़ अपने फेस पे लगा रहे हैं। आप इसको मेकअप से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको अपनी रात को नाइट क्रीम अगर आप यूज़ करती हैं तो आप अपनी नाइट क्रीम से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही बात करूँगी कि आपने एक से दो ड्रॉप्स लगाने हैं और उसको आपने मसाज करना है तो पूरे फेस पर, ठीक है। और अगर आपकी स्किन पे डार्कनेस है, आपको डार्क सर्कल्स है, तो ये आपके डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करेगा, ये आपकी स्किन को वाइटनिंग का भी काम देगा। विटामिन ई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हमारे लिए एजिंग का काम करे, नहीं, ये एजिंग के साथ साथ हमारी स्किन पर वाइटनिंग का भी काम करता है, हमारी स्किन को स्मूथ करता है, हमारी स्किन पर लाइटनिंग का भी काम करता है। हाइलोरोनिक एसिड इसमें इसीलिए ऐड है ताकि जिन गर्ल्स की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, हाइलोरोनिक एसिड उनकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। विटामिन सी सबको पता है कि विटामिन सी हमारी स्किन पे लाइटनिंग का भी काम करता है, हमारी स्किन पे एजिंग का भी काम करता है, एंटी एजिंग का काम भी, और विटामिन ई भी हमारी स्किन पर यही काम करता है। विटामिन ई हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है, हमारी स्किन को पल्पी बनाता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन पे जो स्पॉट्स होते हैं चाहे वो ब्राउन स्पॉट्स हो चाहे वो ब्लैक स्पॉट्स हो उनको रिमूव करता है। लेकिन कुछ गर्ल्स कहती हैं कि मैंने 3 दिन यूज़ किया, मैंने 4 दिन यूज़ किया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। देखिए, आप जब कोई क्रीम कोई सीरम यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट या कोई रेमेडी यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट उसको 1 से 2 माह यूज़ किया करें। रीज़नेबल प्राइस में है। वो गर्ल्स जो विटामिन ई के कैप्सूल वगैरह यूज़ करती हैं, अगर वो कैप्सूल वगैरह स्किप करके विटामिन ई का या वकोली का विटामिन ई सीरम यूज़ करेंगे तो उनको किसी विटामिन ई कैप्सूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो गर्ल्स जो अपनी क्रीम्स में विटामिन ई के कैप्सूल डाल के यूज़ करती हैं, अगर वो कैप्सूल अपनी क्रीम्स में ऐड करने की बजाय ये अच्छे ब्रांड का जो कि वकोली एक अच्छा ब्रांड है, इसकी बहुत सी प्रोडक्ट इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। वो गर्ल्स जो कि विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ करती हैं अपनी क्रीम्स में ऐड करके, अगर वो स्किप करके ये यूज़ करेंगे तो बेस्ट है, बजाय इसकी कि आप अपनी किसी भी क्रीम में विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करती हैं। क्योंकि अक्सर गर्ल्स होती हैं जिन्हें एजिंग का इश्यू होता है, एक्नी का इश्यू होता है, या वो विटामिन ई से ई के बेनिफिट लेना चाहती हैं तो वो कैप्सूल स्टार्ट करना शुरू कर देती हैं और उनको उस तरह के रिज़ल्ट नहीं मिलते जैसा कि वो चाहती हैं। बजाय वो कैप्सूल्स वगैरह यूज़ करने के अगर आप ये विटामिन ई का सीरम यूज़ करेंगी तो ये बेस्ट है। वकोली का
विटामिन ई सीरम। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये सिर्फ ना आपकी एजिंग को दूर करेगा बल्कि आपको आपकी स्किन पे लाइटनिंग का भी काम करेगा। आपने करना क्या है, जस्ट सिंपल वे कि आपने इसको अपनी किसी भी नाइट क्रीम से पहले अप्लाई कर लेना है और उसके ऊपर आप अपनी नाइट क्रीम अप्लाई कर लें, ठीक है। एक से दो ड्रॉप्स बिल्कुल थोड़े से आपकी स्किन के लिए बहुत होंगे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से भी बाय कर सकते हैं। मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने ये मार्केट से नहीं ख़रीदा था क्योंकि मुझे नहीं पता कि असल है या नकल है। तो ये मैंने जिस लिंक से बाय किया था वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसकी जो प्राइस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ये मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि इसके एक से दो ड्रॉप्स ही बहुत होते हैं। ये मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा है। और आपको जिस किस्म का भी इशू होगा स्किन का, ये आपकी उस प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।